बॉलीवुड फिल्मों का जादू हर किसी के सर चढ़कर बोलता है, वहीं हमारी फिल्मों को कामयाब बनाने में संगीतकारों का बेहद अहम किरदार रहा है। बॉलीवुड में अब तक ना जाने कितने ही सिंगर ऐसे रहे हैं जिनकी आवाज का जादू दर्शकों पर खूब चला है। ऐसी ही एक सिंगर के बारे में हम आपको आज की स्टोरी में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई भी और सालों पहले खो भी दी। इस सिंगर का नाम है अनुराधा पौडवाल। ये तो हम जानते हैं कि 80 के दशक में अनुराधा पौडवाल ने एक बेहतरीन सिंगर के तौर पर दर्शकों के दिलों में घर कर लिया था और उसी समय बॉलीवुड के सुर कोकिला यानी लता मंगेशकर, अलका याग्निक और आशा भोसले जैसे सिंगर बॉलीवुड में धूम मचा रही थी। लेकिन बावजूद इसके अनुराधा ने इन सभी को कड़ी टक्कर दी थी। वैसे बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि गुलशन कुमार ने ही अनुराधा को पहला ब्रेक दिया था और खबरों की माने तो गुलशन उन्हें बॉलीवुड में दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते थे। अनुराधा ने करियर की शुरुआत अमिताभ बच्चन की फिल्म अभिमान से 1973 में की थी, जिसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू चलाया। अनुराधा ने उस दौर के हर बड़े म्यूजिक कंपोजर और निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया। और 90 के दशक में गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी थी। हर सिंगर उनके साथ काम करना चाहता था, इसलिए अनुराधा ने भी अपने करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए गुलशन कुमार से हाथ मिला लिया, जिसके बाद उन्होंने आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और बेटा जैसी कई सुपरहिट में गाने गाए, जिसके लिए उन्हें लगातार 3 फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। अनुराधा की कामयाबी के साथ साथ बॉलीवुड गलियारों में गुलशन कुमार और अनुराधा के अफेयर की खबरें भी आग की तरह फैलने लगी। दूसरी तरफ अनुराधा सभी म्यूजिक कंपोजरों की पहली पसंद बनती जा रही थी। म्यूजिक कंपोजर ओपी नायर ने तो अपने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि लता का दौर अब खत्म हो चुका है, अनुराधा ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। वहीं गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल से ये कह दिया कि वो उन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाएंगे, लेकिन तभी उनके एक फैसले ने फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी को चौंका दिया कि वो अब सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाने गाएंगी। उनके इस फैसले के बाद से लोगों को यकीन हो गया कि गुलशन और अनुराधा का अफेयर वाकई में चल रहा है, हालांकि इन खबरों को दोनों ने हमेशा ही नकारा। अनुराधा ने ये फैसला लेकर खुद के करियर को तबाह कर लिया। अनुराधा ने कई सालों तक किसी भी फिल्म के लिए गाना नहीं गाया था और बाकी सिंगर्स टी सीरीज के बाहर भी कई गाने गा रही थी और अनुराधा ने भजन और आरती गाना शुरू कर दिया। वहीं गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद तो उन्होंने फिल्मी गाने गाना पूरी तरह से बंद ही कर दिया। इसी वजह से अनुराधा का अच्छा खासा करियर डूब गया।